हेलो फ्रेंड्स, पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अंडा करी रेसिपी। तो देखिए इसमें क्या क्या लगेगा, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, अनियन ली है मैंने 6-7, बड़ी छोटी सब मिला के 5 से 6 हरी मिर्च ली है, और ये इतना लहसुन लिया है, तेज़पत्ता लिया है, और ये बड़ी इलायची ली है। इन सब का हम पेस्ट बना लेंगे साथ में। इसके बाद देखिए, नमक लिया है, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, इसके बाद गरम मसाला, और तलने के लिए तेल, रिफाइंड ऑयल, सरसों या फिर सोयाबीन, जिसका भी आप यूज़ करते हैं वो रिफाइंड। इसके बाद ये 6 मैंने एग लिए हैं। तो इनकी रेसिपी आज मैं बताऊंगी, 6 लोगों के लिए एग रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अंडा करी रेसिपी। तो देखिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे एग हैं उनको फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल। तो ये मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें एग को फ्राई करेंगे। देखिए रिफाइंड हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें जो एग हमारे पास है उनको डाल के फ्राई करेंगे। मैं हमेशा इनको फ्राई करके ही बनाती हूँ, क्योंकि फ्राई किए हुए ही अच्छे लगते हैं। अब हम इनको इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। इनको मंदी आँच में अच्छे तरीके से हमें फ्राई करना है। ये देखिए फ्राई होने लगे हैं। अब मैं इनको एक बार पलट देती हूँ। फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देना है ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। थोड़े से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इनको फ्राई करना है अच्छे तरीके से। देखिए फ्राई हो रहे हैं। इस तरीके से आप ये सब्ज़ी बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है। देखिए अब हम इनको हल्के हाथ से पलट देते हैं। देखिए एक तरफ से फ्राई हो गए हैं अच्छे तरीके से। देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं। आप इस तरीके से फ्राई करके बनाइएगा, बहुत अच्छी लगती है। जब कोई गेस्ट वगैरह आए तब आप फ्राई कीजिएगा इनको, और इस तरीके से बनाइएगा, तारीफ़ करते रह जाएंगे सब लोग। देखिए हमारे फ्राई हो गए हैं अच्छे तरीके से। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। गैस को बंद कर देती हूँ मैं, और फिर इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें तड़का लगाना स्टार्ट करते हैं। देखिए गैस पर हमने पतीला रख दिया है। मैं इसको पतीले में ही बनाती हूँ, क्योंकि इसमें अच्छी तरी आती है उससे पतीले में बनाने पे। और देखिए मैंने लहसुन प्याज को अच्छे से जहाँ से चलाने वाली होती है वो मिक्सर में ना पीस के मैंने इसमें पीसा है, क्योंकि मेरे घर में इसमें ही बनाने में पसंद की जाती है। आप चाहें तो मिक्सर में भी इसको चला सकते हैं। तो सारी चीज़ों को मैंने इसमें पीस लिया है। अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। मैंने 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है, ये ऑयल वाली स्पून से। रिफाइंड को गर्म होने देते हैं। मैं उसी चम्मच का यूज़ कर रही हूँ जिसको मैंने फ्राई करने में लिया था। अब हम इसमें जो लहसुन प्याज और तेज़पत्ता, बड़ी इलायची और हरी मिर्च इसमें मैंने डाली है, उसका पेस्ट ये बना लिया है। अब हम इसको इसमें डालते हैं। अब हम इसको अच्छे से चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। जब तक मसाला हमारा फ्राई होता है तब तक हम इसके लिए ये जो नमक मिर्च वाला मसाला बना लेते हैं, और इसको भी साथ साथ में चलाते हैं। तो देखिए मैं इसमें ले रही हूँ 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये मसाला जो है हमको गीला करके डालना है, और 2 चम्मच फुल भर के धनिया पाउडर। इसके बाद में 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार हम बाद में डालेंगे। और इसमें जो गरम मसाला है वो 1/2 मैं इस मसाले में डाल रही हूँ, और 1/2 हम सब्ज़ी बनने के बाद उसमें डाल देंगे जब धनिया पत्ती डालेंगे तब। और इस मसाले को हम अच्छे से भिगा देते हैं पानी से। जब तक ये मसाला मिर्च वगैरह फूल जाएगी तब तक हम इसको अच्छे से भून लेते हैं। अच्छे से चलाना है इसको, ये लगना नहीं चाहिए, और फुल फ्लेम पर ही आप चलाते हुए इसको बना लें तो जल्दी बन जाएगी, वरना ग्रेवी वाली सब्ज़ी में तो थोड़ा टाइम लगता ही है।
इस तरीके से आप अपनी रेसिपी बनाइएगा और मेरे साथ बताइएगा कमेंट करके कि कैसे बनी है, और मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिएगा, और अच्छी लगती हो मेरी रेसिपीज़ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरीके से हम बनाएंगे, बट मेरा ये बोलना गलत है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों के साथ ज़बरदस्ती तो है नहीं, आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग वैसे भी लाइक कर देंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बट फिर भी मैं आपको एक बार याद दिला देती हूँ। देखिए मसाला मैं भून लेती हूँ अच्छे तरीके से चलाते हुए। देखिए मसाला मेरा बिल्कुल गोल्डन हो गया है। देखिए अब हम इसमें जो हमने ये वाला मसाला बनाया था मिर्च वाला, अब इसको डाल देंगे। अब इसको भी हमें ऑयल छोड़ने तक अच्छे से भूनना है आराम से। मैं कटोरी में और पानी लेके डाल देती हूँ। मैं किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करती हूँ, सभी चीज़ों का यूज़ करती हूँ। जब खाने की चीज़ है तो वेस्ट किस लिए करना, सभी चीज़ों को यूज़ करें। सब लोग बोलते हैं आप कटोरी धो के डालना भी बताते हैं, तो क्या हुआ अगर मसाला बचा हुआ है तो कटोरी हम लोग धो के ही डालेंगे, क्या करेंगे उसका। इसी तरीके से मैं हर चीज़ को बताती हूँ मेरे वीडियो में, ऐसा नहीं है कि कोई छुपाने का है कि नहीं इसको नहीं यूज़ करें उसको भी नहीं यूज़ करें। इतने बड़े इंसान नहीं हैं हम कि खाने के सामान को फेंकें, इसलिए आप हर चीज़ का यूज़ करें। कई लोगों की आदत होती है ना आधा बनाना आधा फेंकना, ऐसा नहीं है कि स्टाइल में हम लोग हमारे खाने के सामान को ही फेंकें। उनसे पूछिए जिनको खाना नहीं मिलता है, तो कमेंट करने वाले लोगों का जो है कमेंट गलत है कि आप इस तरीके से धो के कटोरी भी बताती हैं। इसी तरीके से चलाते हुए मैं इसको भून लूँगी। देखिए मसाला मेरा लगने लगा है तो मैं इसमें हल्का सा पानी और ऐड करके इसको अच्छे से भूनूंगी। इसी तरीके से हल्का हल्का हम पानी डालते हुए अगर मसाला लगता है हमारा तो इसी तरीके से हमें भूनना है। मैं इसको फुल फ्लेम पर ही भून रही हूँ क्योंकि चलाते हुए भून रही हूँ, इसीलिए मसाला देखिए हमारा कितना अच्छा दिख रहा है। ऑयल छोड़ने लगा है मसाला, दो मिनट तक और भूनूंगी और इसके बाद मैं इसमें एग जो है हमने फ्राई किए थे वो ऐड कर दूंगी। अब जो एग हमने फ्राई किए थे अब हम उसको उनको इसमें डाल देंगे। मसाला देखिए ऑयल छोड़ने लगा है और अच्छे तरीके से भुन गया है। इसको भूनने में कम से कम 10 मिनट तो लगता ही है, तो मैं जो एग थे उनको इसमें डाल दूंगी। अब हमको इनको अच्छे से मिलाना है। अब हमें ये चाकू की हेल्प से ऐसे करके इनमें सभी में बीच में छेद कर देना है ताकि मसाला थोड़ा अंदर तक जा सके। इसको हमें 2 मिनट तक चलाना है अच्छे से। अब हम डालेंगे इसमें पानी। पानी आप अपनी आवश्यकता अनुसार डाल लें जितना आपको चाहिए, मैं इतना ही डाल रही हूँ। अब हम इसको 5 मिनट तक बिना ढके हुए थोड़ी देर तक बॉईल होने तक इसको अच्छे से जब तक खटकने लगेगा तब तक हम इसको पकाते हैं। देखिए अंडा करी कितनी बेहतरीन दिख रही है। आप इस तरीके से बनाइएगा और अपने मेहमानों को अपने घर में सर्व कीजिएगा। बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगती है ये खाने में भी और देखने में भी। तो अब हम 5 मिनट तक इसको ऐसे छोड़ देते हैं और फ्लेम को कम कर देते हैं। इसके बाद 5 मिनट बाद इसको देखते हैं। देखिए ये हल्की सी बॉईल हो गई है। अब हम इसमें जो हमने नमक छोड़ा था नमक डाल देंगे इसमें अपने स्वाद अनुसार, और जो गरम मसाला हमारा बचा हुआ था वो मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसको 5 मिनट तक हमें और छोड़ देना है ताकि ये जो एग है ये अच्छे से इसमें फिल हो जाए, अच्छे से मिल जाए या मसाला इसमें अंदर तक चला जाए, और बस इसके बाद हम 5 मिनट बाद गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए अंडा करी हमारी अच्छे से खटक गई है, अच्छे से इसमें उफान आने लगा है या बॉईल हो गई है जो भी बोलिए आप। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और ठंडा करते हैं इसको। इसके बाद धनिया पत्ती डाल के और सर्व करते हैं। ये देखिए अंडा करी हमारी बन करके बिल्कुल तैयार है धनिया पत्ते के साथ। इस तरीके से बनाइएगा और खाइएगा, और मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। ओके बाय।